महीनों से बंद नेहरू नगर चौक का ट्रैफिक सिग्नल अब पुराने स्वरूप में आ चुका है। इस सिग्नल की लाइटें बंद होने से आम राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। चौक के अव्यवस्थित रहने से दुर्घटना होने की संभावना हर वक्त बने रहती थी। नेहरू नगर चौक के बंद ट्रैफिक सिग्नल के कारण यहां हर वक्त दुर्घटना होने की संभावना बने रहती थी। चारों ओर से आना जाना कर रहे वाहन चालकों को भी काफी परेशान होना पड़ता था। महापौर नीरज पाल के निर्देश पर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने ट्रैफिक विभाग और तकनीकी विभाग को इसके संधारण के निर्देश दिए, जिसके बाद सिग्नल की खामियों को दूर किया गया। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने शाम को नेहरू नगर चौक के फोर फेज सिग्नल को चालू कराया। इसे शुरू कराने में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी की अहम भूमिका रही। इससे नेशनल हाईवे की ट्रैफिक व्यवस्था में अब सुधार हुआ है। इसकी जानकारी नगर निगम के पीआरओ पीसी सारवा ने दी। नेहरू नगर चौक में काफ़ी दिनों से सिग्नल जो है वो बंद था और इसमें जो है महापौर ने संज्ञान पे इसको लिया और जो आयुक्त महोदय हैं उन्होंने टीम को निर्देश दिए कि त्वरित रूप से सिग्नल चालू किया जाए, क्योंकि बड़ा व्यस्तम मार्ग है, चौराहा है और काफ़ी लोग यहाँ से गुजरते हैं। ट्रैफिक सिग्नल जो है उसको व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो है वो अधिकारियों को निर्देशित करते हुए स्वयं मौके पर आयुक्त महोदय पहुँचे। उन्होंने निरीक्षण किया और सिग्नल को चालू कराया। चारों दिशा का जो सिग्नल है वो चालू हो गया है और आवागमन जो है उसे चालू रूप से जारी। बहरहाल ट्रैफिक सिग्नल चालू होने के बाद यहां पूर्व में मौजूद यातायात के सिपाहियों का ध्यान ट्रैफिक व्यवस्था में निरंतरता बनाए रखने को लेकर अब हट चुका है। यातायात के कर्मचारी अब चौक के किनारे केवल वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। सिपाहियों के व्यस्त रहने से वाहन चालक सिग्नल की अनदेखी कर वाहनों को चौक से पार कर रहे हैं। इससे यातायात बाधित होने के साथ ही दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।